दोस्तों हमेशा मुझसे एक ही सवाल हर वीडियो में पूछा था कि 5G कब आएगा भाई, 5G कब होगा भारत में, 5G कब लॉन्च होगा। आज दोस्तों उसका सवाल आ चुका है और यहाँ पे भारत सरकार DOT ने सारी कंपनी को जियो एयरटेल VI तीनों ही कंपनी को 5G स्पेक्ट्रम जो है दोस्तों यहाँ पे दे दिया है ट्रायल रन करने के। लेकिन इस पर एक बड़ा दोस्तों यहाँ पे सवाल निकल के आया कि यहाँ पे 5G जो होगा भारत में 2021 में नहीं 2022 में आपको लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। क्या है दोस्तों पूरी की न्यूज, कितना स्पेक्ट्रम दिया दोस्तों, कंपनियां किस स्टेज पे पहुंच चुकी है और भारत में 5G कब तक फाइनल लॉन्च हो जाएगा, इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दुनिया भर में 5G की होड़ लगी हुई, लेकिन भारत में दोस्तों 5G कब आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां पे एक तरफ जियो जैसी कंपनी खुद का 5G हार्डवेयर डेवलप कर चुकी है, एयरटेल जैसी कंपनी दोस्तों यहां पे 4G स्पेक्ट्रम को ही रिफार्म करके 5G यहां पे दे चुकी है, VI जैसी कंपनी 5G पे काम कर रही है, सारी कंपनी 5G लाने के लिए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार अब यहां पे तीनों ही कंपनी को, कुछ दिनों पहले मैंने आपको सबसे पहले ब्रेक करके बताई थी न्यूज़ के, भारत सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आप 5G ट्रायल्स यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द। और यहां पे अब दोस्तों कुछ ट्रायल्स के लिए इनको स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, यस, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में दोस्तों 5G ट्रायल्स करते हैं इंडोर में आउटडोर में अलग अलग जगह पे, तो उसके लिए इनको स्पेक्ट्रम चाहिए। तो वो स्पेक्ट्रम सरकार यहां पे फ्री में प्रोवाइड करती है, इसको टेस्टिंग ट्रायल वर्जन दोस्तों स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसको यहां पे DOT ने प्रदान कर दिया है, दे दिया है कंपनियों को। तो बहुत जल्द दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों में आपको यहां पे टेस्टिंग नजर आएगी। लेकिन एक चीज और निकल गई जिससे 5G भारत में 2021 में नहीं 2022 में नजर आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे क्या है, DOT अलाउड 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम way to development of the use cases, सारी companies को दोस्तों यहाँ पे 5G spectrum जो है allot यहाँ पे कर दिया है। Department Telecommunication has allotted 5G spectrum trial spectrum in the 700 megahertz, 3.5 gigahertz और 26 gigahertz band, दोस्तों यहाँ पे तीन bands में यहाँ पे दिया है। 700 megahertz जो है दोस्तों यहाँ पे वो सबसे premium बोला जाता है, उसमें दोस्तों दिया उसके साथ 3.5 gigahertz और 26 gigahertz के जो band है, इनके अंदर इन पे तीन कंपनियों को 5G trials के लिए spectrum दे दिया है। यहाँ पे BSNL का नाम कहीं भी नहीं, यहाँ पे Jio है, Reliance Jio, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनी को दे दिया है। तो यहां पे दोस्तों तीनों कंपनी को यहां पे दे दिया, पार्टनर विद नॉन चाइनीज नेटवर्क्स वेंडर्स एंड डेवलप इंडियास रेलेवेंट यूजर्स केसेस, इन सारी कंपनीज को जो चाइना की कंपनियों के साथ नहीं बाकी कंपनियों के साथ टाई अप करके, क्योंकि इनके सारे वेंडर्स जो हैं, कोई सैमसंग के साथ काम कर रहा है, कोई यहां पे नोकिया के साथ काम कर रहा है, कोई एरिक्सन के साथ काम कर रहा है, चाइनीज हुआवे ZTE इसके अंदर हिस्सा नहीं लेने वाले, तो इन कंपनियों को दोस्तों दे दिया, जिसके हिसाब से सारी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी, टेस्टिंग करेगी, अलग अलग फेजेस पे यहां पे डेवलप करेगी, चेक करेगी, उसके बाद कंपनी फाइनल दोस्तों रेडी करेगी। यहां पे DOT वायरलेस प्लानिंग तो कोऑर्डिनेट WPC जिसको दोस्तों वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, इसने दोस्तों यहां पे थर्सडे को इवनिंग में पे तीन बैंड्स अलाउड किए, यहां पे 100 800 और 10 यूनिट्स एक्सपेरिमेंटल 5G एयरवेव्स, दोस्तों यहां पे तीन बड़ी कंपनीज को यहां पे DOT ने यहां पे दे दिया है, जहां पे Jio है, Airtel और VI है, 3.5 GHz 26 GHz और 700 MHz का बैंड दोस्तों यहां पे दे दिया, जो खास करके 5G ट्रायल्स के लिए काम यहां पे आता है। अलॉटमेंट दोस्तों 5G ट्रायल्स का यहां पे दे दिया, क्रूशियल होगा दोस्तों Jio और Airtel जैसी कंपनी के लिए जो ऑलरेडी दोस्तों 5G रेडी नेटवर्क है, उन दोनों का पे दोनों बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि हम यहां पे 5G बहुत जल्दी लेके आएंगे। और VI जैसी कंपनी भी दोस्तों यहां पे रेडी, VI ने भी बोला था कि हम भी यहां पे 4G स्पेक्ट्रम को ही जिस तरह से एयरटेल ने किया था वैसा कुछ करके हम यहां पे 5G लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो यहां पे निकल के आ रही है कि यहां पे बात की जा रही है कि यहां पे 5G जो ट्रायल्स होंगे 6 महीने के लिए, यस 6 महीने आने वाले 6 महीने तक दोस्तों ट्रायल्स चलने वाले हैं। अगर ये 6 महीने ट्रायल चलेंगे तो मई महीने में हम यहां पे बैठे हैं दोस्तों, तो जनवरी तो इनका ट्रायल में बीत जाएगा, तो 6 महीने तक ट्रायल्स यहां पे सारी कंपनी करेगी। इसका मतलब भारत में 5G दोस्तों आपको आने वाले साल में 2022 के फर्स्ट दोस्तों यहां पे हो सकता है आपको मार्च अप्रैल तक शायद आपको जाके यहां पे देखने को मिले। तो ये सबसे बड़ी दोस्तों खबर निकल के जहां पे DOT ने ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम तो अलॉट कर दिया सारी कंपनी को, आप ये स्पेक्ट्रम यूज करिए, आप अपना ट्रायल करिए Jio, Airtel, VI तीनों ही कंपनी को, और आने वाले 6 महीने तक ये दिल खोल के दोस्तों ट्रायल्स करेंगे, अलग-अलग तरह की दोस्तों पे टेस्टिंग के रिजल्ट्स यहां पे सामने आएंगे जिसके बारे में बताता रहूंगा। लेकिन 6 महीने पूरा टेस्टिंग यहां पे चलने वाला, और उसके बाद दोस्तों यहां पे जाके फिर DOT जो होगा दोस्तों फाइनल यहां पे फाइनल स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा, और सारी कंपनी दोस्तों अपने बेसिस के पर अपने हैसियत के हिसाब से स्पेक्ट्रम को परचेस करके पूरे भारत में यहां पे 5G को रोल आउट किया जाएगा। लेकिन 5G दोस्तों 2021 में तो फिलहाल बात है, नजर नहीं आ रहा है, 2022 के दोस्तों हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च या मार्च के बाद शायद तक आपको भारत के अंदर 5G देखने को मिले। तो ये गुड न्यूज भी थी और एक दोस्तों सैड न्यूज भी कि 2021 में तो शायद आपको 5G देखने को नहीं मिले, 2022 के मिड तक शायद तक आपको 5G भारत में देखने को मिले। फ्रेंड्स मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, यहां पे सबसे पहले 5G कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी, Jio,
जियो एयरटेल वी आई कौन लॉन्च करेगा और क्या प्राइसिंग होना चाहिए 5G के 1GB डेटा का। आपके जो भी विचार हो दोस्तों, जो भी सुझाव हो नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और वीडियो को अच्छा लगाओ इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जो देते हैं, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफरेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जो दबा देना, इसको दबाना से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली की VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जो दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक बहुत टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।